यूपी की बांदा जेल में बंद बाहुबली बसपा विधायक मुख्तार अंसारी से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अभी हाल ही में मुख्तार अंसारी को एक मामले में तो जमानत मिल गई और अब इंतजार है 19 अप्रैल का। दरअसल जेलर और डिप्टी जेलर पर हमले के मामले में मुख्तार अंसारी पर आरोप तय होंगे। MPMLA कोर्ट में 19 अप्रैल को अंसारी के खिलाफ आरोप तय किए जाएंगे। आपको बता दें कि 3 अप्रैल 2000 को लखनऊ जेल के जेलर और डिप्टी जेलर पर हमला हुआ था। जेल में पथराव और जानमाल की धमकी के इस मामले में मुख्तार अंसारी आरोपी हैं। मुख्तार के अलावा यूसुफ चिश्ती, आलम, कल्लू पंडित और लालजी यादव पर आरोप तय होने हैं। यूसुफ चिश्ती और आलम जेल में है, कल्लू पंडित और लालजी यादव जमानत पर है। 3 अप्रैल 2000 को लखनऊ के जेलर SN द्विवेदी ने आलमबाग थाने में FIR दर्ज कराई थी। 22 अप्रैल को मुख्तार अंसारी को आजमगढ़ गैंगस्टर कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। मुख्तार के बांदा जेल में शिफ्ट होने के बाद आजमगढ़ पुलिस ने वारंट भी का तामिला कर दिया है। 22 अप्रैल को कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार को आजमगढ़ जेल ले जाया जाएगा। मुख्तार को एक पुराने मामले में गैंगस्टर एक्ट में दर्ज एक मामले में कोर्ट में पेश होना है। दरअसल तरवा थाना क्षेत्र के आरा खुर्द में सड़क निर्माण के दौरान वर्चस्व की लड़ाई में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के लोगों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई थी जबकि एक मजदूर घायल हो गया था। योगी सरकार ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की तो मुख्तार को टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल किया गया और इसके बाद से ही मुख्तार उसके करीबियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी पर लगातार खबरें आती रहती हैं कि बांदा जेल में उसका वक्त आसानी से नहीं कट रहा और उसके गुर्गे भी लगातार इस ताक में हैं कि मुख्तार अंसारी जिस जेल में बंद है उसके आसपास ही किराए के मकान ढूंढ लिए जाए ताकि वो मुख्तार अंसारी की मदद कर सके। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि 19 अप्रैल को अंसारी के खिलाफ क्या आरोप तय हो पाएंगे। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस यूपी उत्तराखंड के साथ।